हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टा पिटबुल। जिसने भी चैनल की वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन को पहले पाने के लिए फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज की चलिए वीडियो स्टार्ट करते गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए अमेरिकन बुली माइक्रोसाइज में लेके आ गया हूं, जो कि MR गोल्ड का डायरेक्शन है। गाइस ये क्वालिटी वाइज तो पपी काफ़ी अच्छा और हेल्दी है, देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी को जज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में है। और ओनर ने इसके ईयर क्रॉप भी करवा रखे हैं। जो भी पर्सन अमेरिकन बुली को लेने में इंटरेस्टेड है वो ले सकता है इस अमेरिकन बुली को, जो कि प्राइस और क्वालिटी दोनों इसके बेस्ट हैं। और ये इम्पोर्ट ब्रिड लाइन का है, अगर इसके विद पेपर चाहिए तो भी ओनर आपको बनवा के दे सकते हैं, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ओनर के पास ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है और ओनर के पास ऑल डॉग्स अवेलेबल हैं, हर तरह की ब्रीड आपको ओनर के पास मिल जाएगी। और फिलहाल हम बात करते हैं अमेरिकन बुली की, जो कि MR गोल्ड का डायरेक्शन है, जिसके फादर भी स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग MR गोल्ड मिस्टर गोल्ड को तो अच्छे से जानते ही होंगे, ये काफ़ी फेमस डॉग है। अमेरिकन बुली काफ़ी एक्सपेंसिव डॉग है वो, तो आप लोग इस पपी को बाय कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छी ब्रिड लाइन का पपी लेना चाहते हैं। तो आप लोग इसकी क्वालिटी देख ही सकते हैं, ओनर के पास और भी ब्रीड अवेलेबल हैं। तो आप लोग ओनर का डॉग का पूरा फार्म है, उनके पास हर तरह की ब्रीड मिल जाती है और उनके पास ऑल टाइम अवेलेबल रहती ब्रीड। और जो डिलीवरी चार्ज होता है वो डॉग के प्राइस के एक्स्ट्रा होता है, जितना डॉग का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना पड़ता है और एडवांस पेमेंट आपको करनी पड़ती है। वैस आपको एडवांस पेमेंट करके आप बुक करके इस पपी को बुक करके अपने घर तक भी मंगवा सकते हैं। वैसे आप लोग को ये क्वालिटी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग फिर देख लीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है पपी। और इस पपी का प्राइस वाइज तो ये पपी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, इस प्राइस में पपी बहुत कम क्वालिटी में मिलते हैं। और ये दूसरा सन है जो, यही है मिस्टर गोल्ड, ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में है। देख लीजिए आप लोगों को कैसी लग रही है इसकी क्वालिटी, मेरे हिसाब से इसकी क्वालिटी तो काफ़ी सही है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में है ये। देख लीजिए कितना हेल्दी है ये मेल, जो भी मैटिंग करना चाहता है ये फीमेल की, जिसे भी स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है ये, जो बेस्ट क्वालिटी में फीमेल्स होती हैं उनसे मैटिंग करा सकते हैं इसकी। देख लीजिए कितना हैवी इसका हेड है। और ये मिस्टर गोल्ड है जो कि इम्पोर्ट है, क्वालिटी वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है। देख लीजिए मिस्टर गोल्ड को, इसका हेड साइज देख लीजिए, इसके बोन्स देख लीजिए, इसका चेस्ट देख लीजिए कितना बड़ा है। ब्लू और रेड दोनों ही पपी इसी के ऊपर हैं। देख लीजिए क्वालिटी आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग फटाफट से इन दोनों पपीज़ को बाय कर लीजिए जिसे भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी बार बार में नहीं मिलती। गाइस आप लोग इन पपी को बाय कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। मदर की पिक और फादर मदर की मैटिंग की पिक आप ओनर से मांग सकते हैं, ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर मैं वीडियो के बीच में दे देता हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप उसको मिस भी कर सकते हैं ओनर की इन्फॉर्मेशन। गाइस देख लीजिए आप लोग क्वालिटी कितनी हैवी हेड है इस फादर का। कलर वाइज भी ये काफ़ी सही है इसका फादर, इसका सबसे बड़ा तो इसका हेड है। बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं काफ़ी मस्कुलर बॉडी का है, जिसे मैटिंग करानी है वो करवा सकता है फीमेल की। पपीज तो काफ़ी अच्छे हैं इसके, प्राइस वाइज तो काफ़ी सही है इसकी क्वालिटी, तो आप लोग इसके पपी भी बाय कर सकते हैं। जो ओनर के पास सेकेंड ब्रीड होने वाली है जो कि है पग, ये भी सेल पे अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी फनी डॉग होता है। देख लीजिए आप लोग वीडियो में कितना फनी है ये पपी, देख लीजिए कितना फनी पपी है ये, क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है पपी, देख लीजिए कितना फनी पपी है ये पपी। इसके फादर हैं, आप मदर की पिक भी ओनर से मांग सकते हैं, ओनर के पास ली ब्रीड है जो कि लेबराडोर, जो काफ़ी एक्सपेंसिव पपी है,
जो कि डायरेक्ट राजा ब्लड लाइन के हैं। देख लीजिए आप लोगों को क्वालिटी कैसी लग रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, काफ़ी हैवी हेड इनका, काफ़ी हैवी पॉज है, शॉर्ट टेल है। देख लीजिए काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में। और जो ओनर के पास अगली ब्रीड है जो कि है टॉय फॉर्म, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, ब्राउन कलर का मेल अवेलेबल है सिंगल, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में। कितना क्यूट पपी है ये, आप लोग इसके हेयर चेक कर सकते हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। देख लीजिए कितना हैवी पपी है। ये हमारे घर के लिए सबसे अच्छी ब्रीड होती है, ये टॉय ब्रीड है, काफ़ी अच्छा पपी। आप लोग इस पपी को भी बाय कर सकते हैं फटाफट से, जिस भी पर्सन को पपी चाहिए फटाफट से बाय कर ले। इतनी बेस्ट क्वालिटी में पपी, फादर मदर की मैटिंग की वीडियो फोटो आप ओनर से मांग सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे अलाउड नहीं है डालना। ओनर के पास अगली ब्रीड है जो कि रॉटवाइलर, जो कि हमारे गाड़ी पर्पस के लिए सबसे अच्छी ब्रीड होती है। जो ओनर के पास अगली ब्रीड है जो कि गोल्डन रिट्रीवर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है ये मेल। देख लीजिए आप लोग कितनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी, ये डॉग शो के लिए है पपी। इसका प्राइस क्वालिटी वाइज तो काफ़ी सही है। देख लीजिए इसके मदर फादर को, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और ये ओनर के पास अगली ब्रीड है जो कि है लेब्रा, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में पपीज़ हैं। तो आप लोग इन पपी को भी बाय कर सकती हैं। पपी की एज भी 21 डेज है। ये पपी इसके फादर हैं जो काफ़ी हैवी हैं, देख लीजिए कितनी बेस्ट क्वालिटी में है। ये एक और ओनर के पास पपी है जो कि लगा है, जो कि 35 डेज ओल्ड है। उनके पास अगली ब्रीड है जो कि साइबर हस्की है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में, देख लीजिए ये भी सेल्फ अवेलेबल है। ब्लू आइस पपी है, ये भी इम्पोर्ट ब्लड लाइन का पपी है। ये ओनर के पास जो अगली ब्रीड है जो कि राजा डायरेक्ट सन, जो रिप राजा हो गया है उसका डायरेक्ट सन है, ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में है। देख लीजिए ओनर के पास जो अगली ब्रीड है जो कि जर्मन शेफर्ड, जो कि गार्डिंग पर्पस के लिए सबसे अच्छी ब्रीड होती है, वो अपने हमारे घर के लिए सबसे लॉयल ब्रीड है। ये पपीज भी आप बाय कर सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो एंड करते हैं। Bye-bye, guys.